स्वागत है आपका खबर झारखंड में। साथों में आपके हाना पुंज बुलेटिन की चले शुरुआत करते हैं। विपक्षी दलों के संगठन इंडिया ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। शनिवार को सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर का दौरा किया था और आज राजधानी रांची में घटक दलों की बैठक में आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार को घटक दलों के सभी विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे और वहीं पर 1 अगस्त को राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा पर इंडिया का महासंग्राम, विधानसभा में सोमवार को विधायकों का प्रदर्शन, 1 अगस्त को राजभवन के सामने होगा धरना। राजधानी रांची में इंडिया के घटक दलों की बैठक की ये तस्वीरें हैं। इस बैठक में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की गई और केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम का ऐलान किया गया। अब शनिवार की ये तस्वीरें देखिए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर जाकर हालात का जायजा लिया था। इसके बाद से गठबंधन के नेताओं ने केंद्र पर हमला तेज कर दिया है। 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि वहां पर शांति बहाल करने के कोई प्रयास भी नहीं किया है। इस मुद्दे को लेकर आज इंडिया यहां पर बैठी है और इंडिया ने निर्णय किया है कि हम जो है 1 तारीख को गवर्नर हाउस के सामने सभी घटक दल जो है इंडिया का सारे लोग वहां धरना प्रदर्शन रहेंगे। जेएमएम का कहना है कि मणिपुर हिंसा के मसले पर झारखंड के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी केंद्र ने पहल नहीं की तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं जेडीयू का कहना है मणिपुर हिंसा पर इंडिया के सभी घटक दल एक हैं और सर्वसम्मति से मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। मणिपुर का सवाल लेकर जो वहाँ अत्याचार और जो घृणित काम हो रहा है और सैकड़ों लोग नहीं कई सैकड़ों लोग मारे गए हैं और मरमाहत पूरे मणिपुर में लोग हैं और पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ के दुख दर्द के चलते हम लोग आज बैठक यहाँ रखे और यह बैठक में हम लोग ने पूरा अपने दल दल के सब अपने दल के लोगों को पूरे जिला स्तर पर मणिपुर में जो घटना घटी उससे आप हम सभी वाकिफ है, पूरा देश वाकिफ है और इंडिया गठबंधन के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे राज्य में इस गठबंधन के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, उसने वास्तव में हर देशवासी को सकते में डाल दिया है। स्वाभाविक रूप से इसने विपक्ष को हमला करने का मौका भी दे दिया है। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची।